आपको आश्चर्य होगा, आप लोगों ने अभी हाल ही में दोबारा दूरदर्शन पर रामायण आई थी, ठीक है, आपने उसमें देखा था हनुमान जी के बारे में, आप जानते हैं बहुत परम शक्तिशाली पवन पुत्र और अद्भुत जो है शक्तियों से लैस थे। लेकिन क्या हुआ कि जब सीता की माता की खोज के लिए जब जाने लगे तो समुद्र था और उसके किनारे हनुमान खड़े थे। बोले साहब इतना बड़ा समुद्र कौन लांघेगा, सात योजन कौन जा सकता है। तो जामवंत आते हैं और जामवंत कहते हैं कि पवन पुत्र अपनी शक्ति को पहचानो। पवन पुत्र अपनी शक्ति भूल चुके थे, उनको लगा कि मैं एक सामान्य वानर हूं और मैं कैसे इतना समुद्र जो लांघ सकता हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। एंड दे जामवंत उनको एक लेक्चर देते हैं, उनको बताते हैं कि यू हु यू आर, तुम कौन हो, पहचानो और अपनी शक्ति को पहचान कर जो है वो समझो। और जब हनुमान को अपनी शक्ति का अंदाजा होता है, उसको अनुमान होता है, तो फिर वो पूरा समुद्र लांघ जाते हैं और लंका को जलाकर चले आते हैं। यानी आपके अंदर वो शक्तियां हैं, वो इनबिल्ट हैं। अपनी जिंदगी में हजारों स्टूडेंट को मैंने मिला हूं, उनसे मैंने काम किया है और मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे सामने आए, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, जो हकलाकर बोलते थे, जो सबके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, आज वो अपनी लाइफ में एक बहुत सकारात्मक बदलाव ला पाए हैं। यानी मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपके अंदर पावर है, उस पावर को रियलाइज करना सीखो। समाज तुम्हारा जो है वो एक करप्ट है, वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से छीनता है। तुम्हें 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में निगेटिव बात ही करेंगे और आप उनकी सुनना शुरू कर देते हो। अपनी शक्तियों को रियलाइज करो। ये सात योजन समुद्र यानी यूपीएससी का एग्जाम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी तुम्हारी मंजिल है। तुम्हें अभी समाज में जाना है, उनके लिए बहुत कुछ करना है और अपनी जिंदगी में आप ये समझ के रखो हजारों लोगों की जिंदगी में आपको बहुत चेंजेस करके लाने हैं। आपको तमाम बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है, आपको इस देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, आपको जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो गरीब वर्ग है, उसकी लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। उनके सर पे छत रखना है, उनको रोजगार के अवसर देना है, उनके शरीर पर कपड़े लेकर आना है। आपकी जिम्मेदारियां इस एग्जाम से भी बहुत बड़ी हैं। आपका पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित है और मैं चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों में, जैसे मैं नवीन सिकरिया की बात करता हूं, अजीत डोवाल साहब की बात करता हूं, जयशंकर के बारे में पढ़ता हूं, वैसे मैं आपके बारे में जिस दिन पढ़ूंगा और आने वाले जो बच्चे हो जाएंगे, जब ये बाल पक जाएंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा और जब उस समय मैं इन लोगों को जब पढ़ा रहूंगा, तो मैं ये कहूंगा ये मेरा स्टूडेंट था। ये देखिए जिसके बारे में आज आप पढ़ रहे हैं, क्यूरियोसिटीज मेरे सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कभी मेरे सामने बैठकर पढ़ा करता था। मेरा वो ड्रीम है, मेरी आंखों के सामने वो बिल्कुल ही क्लियर है। उस ड्रीम को कैरी करके लेकर चलो और समझो कि तुम्हारा जो चैलेंज है वो कितना बड़ा है। कितना मजा आएगा कि आज से कुछ सालों बाद जब मैं तुम्हारे बारे में उनको पढ़ा रहा होगा। सो ये इतिहास लिखने का तुम्हारे पास अवसर है। अब ये तुम्हें चुनना है कि ये अवसर तुम छोड़ना चाहते हो या अवसर तुम पकड़ना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। अपनी किस्मत तुम खुद लिखोगे।